मुझे मेरी किताब एक आई थी 2008 में, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, उस पर आधारित फिल्म है जो अभिषेक कपूर रॉक ऑन डायरेक्टर ने बनाई है विद सुशांत सिंह राजपूत एंड अमित सद एंड राजकुमार यादव, एंड इट्स रिलीजिंग ऑन February 22, मेड बाई UTV फिल्म्स। एंड यू नो द प्रोमोज वगैरह जो बाहर आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव बज़ आया है, स्पेशली यूथ में इस फिल्म का काफ़ी चर्चा में है। और ये किताब भी काफ़ी हिट रही थी, इसके काफ़ी 1 करोड़+ रीडर्स हैं। सो अब देखना ही है कि यू नो फिल्म का कैसा रिस्पॉन्स आता है, और हम काफ़ी वेट कर रहे हैं उसके। अच्छा, तो ये किताब किस तरह के रिवॉल्यूशन को बताती है? कहीं पर पॉलिटिकल है, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या है और किस तरह का लेखन? हमारा देश में कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जिसकी वजह से देश में बातचीत होती है, काफ़ी मुद्दे उठते हैं, काफ़ी देश के पैशंस हैं। और जब मैंने ये किताब भी लिखी थी, जब ये कहानी भी लिखी थी, तो मैंने कहा कि क्या मैं ऐसी कहानी बना सकता हूँ जिसमें भारत के सारे मेन पैशन हों। काफ़ी बोल्ड एम्बिशन था कि और भारत के क्या क्या पैशन हैं। आप देखिए, रिलीजन हम लोग काफ़ी मानते हैं, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, यू नो करियर, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, लव, और ये सारी चीज़ें मैंने कहा एक कहानी में कैसी डाली जा सकती है। तो मेरे माइंड में ये एक कहानी आई जो गुजरात में मैंने सेट की, और मुझे लगा इसमें ये सब आ जाता है। और इसके अलावा भी एक और पैशन होता है, वो है मूवीज़। तो आज वही कहानी जिसमें सारे इंडिया के पैशन है, एक और पैशन के रूप में बाहर आ रही है, मूवी के रूप में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है और कैसे ये फिल्म कनेक्ट करती है। तो आपकी जितनी भी फिल्में हैं सब में बड़े स्टार्स थे, सलमान, हाँ, आमिर, इसमें सारे न्यू कमर्स हैं, तो कहीं नर्वसनेस है, कहीं है कि भाई पहले बोलना? थी, पहले बिल्कुल नर्वसनेस थी कायपोचे के बारे में, बिकॉज इसका हमारे पास कोई बड़े स्टार नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से मैंने प्रोमो का रिस्पांस देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे अगर प्रोमो के व्यूज़ देखें और किसी और स्टार फिल्म के व्यूज़ देखें, तो काफ़ी सिमिलर है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इतना फर्क पड़ रहा है। इस फिल्म में आपको क्रेडिट को लेके इश्यूज नहीं है, जो पिछली बार इतना नहीं, बवाल इस मचा बार कोई था? नहीं, आप देख रहे इतने सारे माइक मेरे पास रिलीज से पहले हैं, बाद में नहीं है। और आई वॉन्ट टू थैंक UTV एंड अभिषेक फॉर दैट, बिकॉज दे बीन वेरी फेयर एंड जेनरस। इवन पोस्टर्स में भी अगर आप देखें, तो वहाँ पे भी मेरा नाम दिया गया है, प्रोमोज में भी हर जगह मेरा नाम है। एंड आई थिंक आज उनको ये भी मालूम है कि मेरे रीडर्स को वो बताना चाहते हैं कि ये चेतन की किताब है जो आपने इन्जॉय करी है, और आप आइए। तो वो एक बार हो गया था ऐसे, एक यू नो डिफरेंसेस आ गए थे, बट होपफुली आगे कभी नहीं आएंगे और इस बार भी नहीं आएंगे। जो थ्री फ्रेंड्स, मेल बॉन्डिंग, कहीं ना कहीं इसका कंपैरिजन थ्री इडियट्स से होगा? आई थिंक होगा, चाहे मैं जितना भी कह लूँ होगा ही, बिकॉज पिछली किताब पे वो बनी थी। एंड कई बार हमें ये भी लगता है कि अरे यार किससे कंपेयर कर रहे हो, इट्स लाइक आप 70s में कोई फिल्म बनाओ न्यू कमर्स के साथ और आप बोलो अच्छा शोले से बेटर है कि नहीं। एंड यू नो बिकॉज थ्री इडियट्स इज़ नॉट एन ऑर्डनरी फिल्म, इट्स मतलब सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म रही है हमारी बॉलीवुड की 100 साल की हिस्ट्री में। तो लेकिन ऑब्वियसली उसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, इसमें स्टार कास्ट लोअर है न्यू कमर फिल्म्स के हिसाब से। इसको मेजर किया जाए आई थिंक, और इस कहानी का इम्पैक्ट देखा जाए आप, लेकिन थ्री इडियट्स और ये फिल्म दोनों साथ साथ देखेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि एक फिल्म कमज़ोर है और एक नहीं है, दोनों बराबर की हैं। आई वुड से कायपोचे हैज़ बिन मेड एज गुड एज थ्री इडियट्स।